नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ लौकी की रसीली सब्जी और प्लेन राइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने ये आधा किलो लौकी ली है और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो चलिए इसे छील के कट कर लेते हैं। पहले हम इसे छीलेंगे और लौकी की जो छिलके होते हैं ना, इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। और इस समय तो मैं इसको पीलर से छील रही हूँ। अगर जैसे इसकी सब्जी बनानी हो तो इसे हम चाकू से थोड़ा सा मोटा इसका छिलका उतार लें तो उस मोटे छिलके से सब्जी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और सूखी सब्जी बनती है। तो ये मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसे एक बार फिर मैंने वॉश कर लिया है। तो चलिए इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और बहुत बड़े भी नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर है, आपको कितने बड़े इसके टुकड़े करने हैं। सब्जी काट के मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल के रख लूँगी। और ये लौकी बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, इसमें ज़्यादा बीज भी नहीं है। इस सब्जी को मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो मैंने ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप कोई से भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसके बाद डालेंगे 6 से 7 मैंने लहसुन को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया और 4 मैंने हरी मिर्च इसमें बारीक कट कर ली। तो इसे डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। और 1 बड़ा साइज का प्याज मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल लेंगे और इसे भून लेंगे। और इसे हमें लाइट ब्राउन करना है। तो इस समय गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम। तो ये देखिए प्याज हमारे भून चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो, जिससे कि हमारी हल्दी ना जले। और इसको भूनने के बाद अब डालेंगे इसमें हम जो कटी हुई लौकी है, हमने पानी में डाल के रखी थी, उसको निकाल के हम डालेंगे कुकर में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब कभी मसाले वाली सब्जी खा के बोर हो जाएं तो इस तरह से सिंपल सब्जी बना के आप एक बार ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इसमें नमक और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम में और उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे देख लेते हैं। लौकी हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसको एक बार चला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को कट कर लिया था और उसको डाल देंगे। ये देसी टमाटर है, देसी टमाटर खट्टे होते हैं और ये इसमें थोड़ा सा खट्टापन ही अच्छी लगती है सब्जी में। तो ये मैंने डाल दिया। इसको अब अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद देखिए और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी हमें इतना डालना है जितनी आप इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या इसका रसा बनाना चाहते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे हम 2 सीटी आने देंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, प्रेशर निकलने देंगे खुद से। और यकीन मानिए ये सब्जी रसे वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए इसका प्रेशर भी निकल चुका है और लौकी भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, मदानी लेंगे और थोड़ा सा इसे हम मैश कर लेंगे ताकि लौकी और पानी इक्वल हो जाएगा। रोज़ रोज़ अगर हम दाल बनाते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं, तो कभी कभार इस तरह से रसीली सब्जी बना के भी ट्राई कर लेनी चाहिए। तो लौकी वैसे सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है। अब डालेंगे इसमें हरे धनिया की पत्ती और इसको कवर करके रखेंगे एक साइड। और अब बनाएंगे हम राइस। मैंने बासमती राइस लिया है 2.5 कप। आप कोई से भी राइस बना सकते हैं। और इसको 4 से 5 पानी से धोकर हम 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। जब हम चावल को भिगाकर बनाते हैं, चावल हमारे बहुत मुलायम और फरारे बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल भीग गए हैं। तो चलिए अब चावल को हम बनाना शुरू करते हैं। आप इसे भगोने में बनाइए या फिर आप इसे कढ़ाई में बनाएं, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी 2 लीटर पानी और पानी की मात्रा आप कितने भी डाल सकते हैं क्योंकि हम इसका मार्ड निकाल के बना रहे हैं। पानी में डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और आप देसी घी भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें
नमक और पानी को उबलने देंगे। पानी के उबल जाने के बाद इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। इसके बाद हम चावल को पकने देंगे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक, और 5 मिनट जब इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे। और ये देखिए उबाल आने लग गया है, और बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाएंगे तो चावल टूटने के चांस रहते हैं। ये देखिए 50% तक हमारे चावल पक चुके हैं, और इसे हम 5 मिनट और पकने देते हैं। उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे, तो देखिए 5 मिनट बाद ये हमारे चावल कम से कम 70-80% तक पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। एक ऐसा बड़ा सा चलनी लेंगे और इसमें हम पूरा पानी इसका निकाल देंगे, और पानी की मात्रा हमें पूरी ही निकाल देनी है, बिल्कुल भी इसमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो चावल हमारे गीले हो जाएंगे। तो बस अब इस चलनी वाले चावल को हम डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, 80% तक हमारे ये चावल बन चुके हैं, और इसके बाद हम इसे भाप में पकाएंगे। तो चलिए इस स्पैचुला से इसे एक बार फैला लेते हैं चावल को अच्छे से, और इसको कवर करके हम बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद देखिए चावल बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, और एकदम से खिले खिले चावल हो गए हैं। एक एक चावल अलग है और बहुत सॉफ्ट भी हैं। किसी भी वैरायटी के चावल को हम अगर भिगा कर बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। चाहे वो 2 दिन तक भी रह जाए तब भी वो चावल हमारे सॉफ्ट रहते हैं। तो बस अब ये चावल को कवर करके रख देंगे, और उसके बाद इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। तो ये देखिए हमारी लौकी की सब्जी रसीली और प्लेन राइस बनके तैयार हो गया है। तो मैंने प्लेटिंग कर दी है, और साथ में रखा है सलाद में प्याज, और मेरी सिंपल थाली तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। अब मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।